आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको आगे, उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहाँ पे हम लोग रखेंगे विस्तार से। आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई, उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम सभी बिहार के कांग्रेस जन आदरणीय खड़गे साहब को और राहुल जी को, संगठन प्रभारी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विस्तृत चर्चा करके 3 घंटा का लगभग समय दिया। हम सबको धन्यवाद देते हैं। उनसे पूछते हैं अखिलेश जी, लगातार सीट शेयरिंग को लेके कहा जा रहा है बहुत जल्दी इंडिया अलायंस तय करेगा, तो आज आप लोग की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है राहुल गांधी और खड़गे ने? हम जो प्रमुख साथी आए थे बिहार से, 35-36 लोग थे, सबकी बातें सुनी गई, सबका अपना विचार था, सबका एक अपना लाइन था, वो उन लोगों ने बताया। फिर कुछ निर्देश हम लोगों को मिला कि भाई जो सीट शेयरिंग का बात है वो अब पहले से तो हम लोगों का था राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के साथ ये गठबंधन, नीतीश जी की पार्टी इधर आई है, उनके साथ कुछ सीटें हैं, तो उस पर विचार विमर्श पहले जो यहाँ अपना अलायंस के लिए एक कमेटी बनी है उसमें हम लोगों को अपनी बात जाके रखनी है, वहाँ वो लोग फिर बात आगे करेंगे। तो हमको लगता है सब 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर निपट जाएगा। पर कुछ असेसमेंट आप लोग ने निकाला होगा, पहले 9 सीटें मिली थी आपको कि कम रहना चाहिए कि इससे ज्यादा कांग्रेस की इतनी जगह तो होनी चाहिए? नहीं, हम लोग सबकी राय थी कि उसमें 9 सीटें की जगह अगर 8 भी सीट मिल जाए तो कोई बात नहीं, 1-2 सीट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलायंस का स्वरूप बना रहना चाहिए।